हो गई अजान ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल मैं सकब के साथ मौजूद हूँ, ये बता देता हूँ आपको, असलम मक्का कैटल एंड गोड फॉर्म के टेंट में, ठीक है। और बहुत सारी दिल की बातें करनी हैं, बहुत सारे आप लोग के सवालात हैं, उनके जवाब देने हैं। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि भाई बछड़ा अपना अब घर लेके आ जाओ, जमील भाई कब लेकर आओगे, तो उसका जवाब भी दूंगा कि कब लेकर आऊँगा। दूसरा कि भाई जो बहुत ज़्यादा हर बंदा ही अफसरदा हो रहा है, हर शौकीन, कि यार 10-12 दिन रह गए बकरा ईद में और अब जो है ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, शौक़ ख़त्म हो जाएगा, तो क्या कहते हैं एक साल बाद जो है ये सारी रौनकें आएंगी लौट के। उसका भी जवाब देना है कि क्या सीन है बकरा ईद के बाद, क्या चैनल वैनल मैं बंद कर दूंगा, क्या हो जाएगा, शौक़ ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तीसरा सवाल जो एक तकरीबन मेरी अक्सर वीडियोज़ में आता है, उन वीडियोज़ में आता है जो मैं कभी किसी कैटल फॉर्म को रेकमेंड कर रहा होता हूँ बड़े दिल से, तो वहाँ पर ये सवाल करते हैं लोग कि भाई अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है या इतना सस्ता लगता है तो आपने अपना जानवर मंडी से क्यों ख़रीदा, भाई आप फॉर्म से क्यों नहीं ख़रीदते अपना जानवर, तो फिर आप भी फॉर्म पर जानवर पलवाएं या आप भी फॉर्म पर शौक करें, दूसरों को तो आप रेकमेंड करते हो, ख़ुद तो नहीं करते हो। तो इन सारी बातों का जवाब जो है ना मैं आज की वीडियो में दूंगा। सबसे पहला ये है कि सकब को मैं कब लेके जाऊंगा, तो इंशाल्लाह कल की हमने तरतीब सोची है, कल इंशाल्लाह ये हमारे घर पर अल्लाह ने चाहा तो अनलोड हो जाएगा, तो वहाँ ले जाके फिर वहाँ पे जाके इसको एक दिन अच्छे से नहलाएंगे धुलाएंगे और उसके बाद जो है इसको मोरा वोरा पहनाएंगे अच्छे तरीके से। अब ले जाने से पहले, अब कल चूँकि जब लोडिंग की वीडियो बन रही होगी इसकी यहाँ पे, तो उस वक्त मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने का, तो वो बातें मैं आज करना चाहता हूँ इस वीडियो में। कि सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों का और फार्मर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस बछड़े की केयर के अंदर या सौदे के अंदर मेरी मदद करी। सबसे पहले हमारे मोस्ट फेवरेट मानी भाई जिन्होंने ये सौदा करवाया माशाल्लाह से इतना बेहतरीन, उसके बाद फिर जो है वो जर्रार कैटल फॉर्म के जैन भाई, वक़ार भाई, कि जब वहाँ पे व्यापारी के पास जिससे मैंने ख़रीदा है मसला बन रहा था बछड़ा खड़ा करने के लिए, उन्होंने फ़ौरन जो है वो एक और व्यापारी से उन्होंने माल ख़रीदा हुआ था, अपने जानवर ख़रीदे हुए थे, वहाँ पर मेरा बछड़ा फ़ौरन, मैंने आधे घंटे पहले उनको कॉल करी कि मैं अपना बछड़ा उठा रहा हूँ और मुझे कोई जगह चाहिए मंडी में, उन्होंने बोला हमारे बछड़े वहाँ पे खड़े हुए हैं एक व्यापारी के पास, आप वहाँ पर लेकर आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम वहाँ खड़ा करवा देते हैं। शरीफ भाई के पास जिनकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो 3-4 दिन ये वहाँ पर हमने इसको रखा। फिर उसके बाद ये सीन हुआ कि असलम मक्का कैटल एंड गोड फॉर्म का यहाँ पर ब्लॉक 13 में टेंट उस वक्त तक लगा नहीं था, जैसे ही टेंट लगा तो मुनहिब भाई ने मुझे बोला कि भाई आप अपना बछड़ा हमारे पास खड़ा करवाना चाहो तो लेकर आ जाओ। तो वहाँ पे शरीफ भाई को थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, तकलीफ़ भी हो रही थी, बहुत मस्तियाँ कर रहे हो सकब आज तुम्हें, थोड़ी देर खड़े हो जाओ ना, ऑडियंस की डिमांड है कि तुम्हें दिखाना है तो इसलिए दिखा रहे हैं, वरना तुम्हें परेशान क्यों करेंगे हम। तो खैर मुनहिब भाई असलम मक्का कैटल एंड गोड फॉर्म के, उन्होंने यहाँ पर फ़ौरन इसकी अरेंजमेंट करी, हम शरीफ भाई के पास से यहाँ ब्लॉक 13 में लेकर आ गए और यहाँ पर तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला है। एक हफ़्ते में माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने केयर करी है, रोज़ाना इसकी सफाई करना, रोज़ाना जो है वो इसको क्या कहते हैं अच्छा अंडा इसने खाया है। आप देखें एक हफ़्ते पहले की वीडियो में अगर बात करूँ ना तो उसका पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ था और उसकी वजह ये बताई मुनीब भाई ने मुझे पेट लटकने की, कि गाँव में जो है ना वो खिलाते हैं तूड़ी और आटा, आटे वाला पानी, तो जो आटा होता है ना आटे से होता ही है कि हैवी होता है थोड़ा सा वो, या कोई भी रीज़न हो सकता है मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन जो जानवर पूरी ज़िंदगी आटा खाया हुआ होता है उसका ऐसा होता है कि उसका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेट उसका लटक जाता है। यहाँ पर इसने फिर गंदम का दलिया और चना अट्टी और पता नहीं क्या कुछ जो है इनके वंडे में चीज़ें शामिल हैं, एक हफ़्ता वो खाया है, अल्लाह पाक के करम से बड़ा फ़र्क एक नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों ने वीडियोज़ में भी कमेंट्स किए थे लास्ट वीडियो में कि जो है ना वो माशाल्लाह अब तो आपका बछड़ा बहुत बेहतर हो गया, तो अल्लाह पाक का करम है। फॉर्म के जब वनडे पे जानवर पलता है तो उसमें रैपिडली जो है वो चेंज देखने को मिलता है। तो असलम मक्का कैटल एंड गोड फॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मैं अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा जैसे ही यासिर भाई को कोहिनूर कैटल फॉर्म वाले जो हैं उनको पता चला कि जो है ना मैं अपना बछड़ा ख़रीद चुका हूँ, उन्होंने बाकायदा स्पेशली इसके लिए एक मोरा रेडी किया, सही है उस पर कोहिनूर लिखा हुआ है, बहुत फैंसी मोरा है वो, जब हम इसको घर पर अनलोड कर लेंगे और वहाँ पे जब इसको नहला देंगे तो फिर मैं इसको मोरा और पट्टा जो है ना वो पहनाऊँगा। ये सारी मोहब्बतें हैं इन फार्मर्स की अल्लाह पाक के करम से, जो मैं पूरा साल मेहनत करता हूँ
ठीक है, कोशिशें करता हूँ आप लोग का शौक़ पूरा करने के लिए और फार्मर्स के जानवर आप लोग को दिखाने के लिए, तो वो भी अल्लाह पाक के करम से इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक हफ़्ते से मेरा बछड़ा बंधा हुआ है और मेरे बोलने के बावजूद भी एक रुपये भी मुझसे इन्होंने चार्ज नहीं किया है। ठीक है, एक रुपया भी चार्ज नहीं किया है, हालांकि बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल उनका हक बनता है। और मैं जब ये बछड़ा उठाऊंगा तो इनके जो बंदे हैं मैं उनको मिठाई दूंगा, जो उनका हक बनता है। लेकिन जो ओनर्स हैं उन्होंने चारे के या खड़ा करने के कोई एक रुपया भी मुझसे चार्ज नहीं किया, ये उनकी एक मोहब्बत है। उन्हें भाई हो गए, उवैस असलम भाई हो गए। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं ये शौक़ ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बकरीद ख़त्म होने वाली है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, शौक़ जो है ना वो चलता रहेगा, पूरा साल चलेगा। आप लोग बकरीद के बाद इनएक्टिव हो जाते हो, चैनल छोड़ के चले जाते हो। मैं बकरीद के बाद भी वीडियोस बनाता हूँ पूरा साल, चाहे मंडी हो, मलीर मंडी लगती है तो कोशिश करता हूँ जो है मलीर मंडी की कवरेज कर लूँ। और इसके अलावा फॉर्म्स की कवरेजेस तो पूरा साल ही आपके सामने चलती रहती हैं। तो ये आप लोग की अब इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी है कि जितने भी सब्सक्राइबर हो जाएँ इस साल, जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई बकरीद के बाद भी आपको फॉर्म्स की कवरेजेस दिखा के आपका शौक़ जो है वो जारी और सारी रखेंगे। लेकिन एक तीसरी अनाउंसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये जो आपका सवाल होता है ना कि ख़ुद तो फॉर्म से ख़रीदते नहीं हो, पलवाते नहीं हो, ये अपना फॉर्म कर लो और हमें रेकमेंड करते हो, तो उसका ये है कि मैं एक कैटल फॉर्म है वहाँ से इंशाल्लाह मैं इस साल जानवर ख़रीदूँगा भी और वहाँ पे पूरा साल वो जानवर पलवाऊँगा भी, शौक़ भी करूँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा। और एक नहीं बल्कि एक और भी दूसरा कैटल फॉर्म है, वहाँ पर भी एक मैंने जानवर पसंद किया हुआ है, तो हो सकता है कि उन दोनों फॉर्म्स पर मैं एक एक जानवर पलवा लूँ। ठीक है, और आपको पूरा साल उन जानवरों, क्योंकि आप लोग का भी शौक़ पूरा होता रहे, पूरा साल आप लोग भी देखते रहो। लेकिन नियत अभी नहीं करूँगा उनमें से किसी भी जानवर की कुर्बानी की, हो सकता है आगे जाके वो जानवर मैं अपने घर पे कुर्बान कर लूँ या हो सकता है वो जानवर मैं आगे जाके सेल आउट कर दूँ, लेकिन फार्म के ऊपर शौक़ पूरा करूँगा इंशाल्लाह, पलाई वलाई करके। और किस तरीके से चेंज आता है एक जानवर में जब वो फार्म पे पल रहा होता है, तो वो जो है ना आप लोग इंशाल्लाह पूरा साल देखेंगे। तो आप लोगों ने नाम गैस करना है कि किस फॉर्म पर जो है ना मैं सबसे पहले बछड़ा अगले साल ख़रीदूँगा और वहाँ पर पलवाऊँगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग को मेरी पसंद कितना आप लोग जानते हैं। ठीक है, बाकी वो वीडियो सीज़न के बाद आएगी जब मैं बछड़ा वहाँ से ख़रीद लूँगा और जब मैं पलवाना शुरू कर दूँगा, तब मैं वहाँ पे वीडियो बना के उसी फॉर्म से वीडियो बना के डालूँगा कि मैंने बछड़ा यहाँ पे ख़रीद लिया है और ये अब पल रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाकी शौक़ पूरा साल चलेगा, आप लोग जो है ना वो पूरा साल आप लोगों ने इंशाल्लाह साथ देना है। और सकब की एक ज़रा चाल वाल देख लेते भाई, माशाल्लाह। तो भाई ये है आज की छोटी सी एक वीडियो जिसमें आप लोग के जो जितने भी वो सवाल ज़्यादातर आजकल आ रहे थे वो मैंने बता दिए हैं। पसंद आ जाए तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अस्सलामुअलैकुम।